आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आप सभी का सीजीएल का एग्जाम था, दो दिन का एग्जाम ऑलमोस्ट जो है वो थर्ड शिफ्ट को छोड़ने के बाद खत्म हो चुका है। आप सभी बोल सकते हो, देखो ये नहीं बोल सकते कि पेपर बहुत 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 इजी आ रहा है, लेकिन इतना जरूर बोला जा सकता है कि पेपर हाँ करने लायक पेपर आज एग्जाम में जो है वो आ रहा है। अब एग्जाम में बैठ कर एग्जाम देना उस प्रेशर में उस माइंड सेट में वो एक स्टूडेंट ही समझ सकते हैं, और बाहर आकर रिव्यू देना पेपर करवाना वो अलग बात है, ठीक है। अब बाहर निकलकर कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन इतना जरूर बोल सकते हैं मैथ में 25 में आप लोग आराम से 17 18 तो हर एक स्टूडेंट जो है कर सकता है, बरसते अगर आपने प्रीवियस ईयर के 2-3 साल के अगर पेपर सॉल्व किए होंगे, प्लस अभी रिसेंट में एग्जाम हुआ आपका सीपीओ का, बहुत सारा सवाल वहां से बन रहा है। मैंने आपको 2-3 दिन पहले, एग्जाम से 2-3 दिन पहले 3 वीडियो दिया आपको एलजेब्रा के ऊपर, और मैंने दिखाया जो 10+2 में प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए थे एलजेब्रा के वो मैंने सॉल्व करवाया आप सभी को। और देखो हर एक शिफ्ट में यहीं से क्वेश्चन आ रहा है, और बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूला बेस भी आ रहा है। तो सारा क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन वो क्वेश्चन जो कराऊंगा जो एग्जाम में बार बार आ रहा है हर एक शिफ्ट में, तो एक बार आप सभी इस कंसेप्ट को समझ लीजिएगा। क्वेश्चन देखो आप सभी का क्या है, और आपको माइंड में कहीं ना कहीं ये भी होना चाहिए कि मुझे 100 अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि 100 पूरा अटेम्प्ट नहीं करना है, कहीं मेरा टारगेट जो है वो सेफ साइड होना चाहिए। यानी मैथ में कम से कम 19-20 ऐसा, रीजनिंग में पूरा होना चाहिए क्योंकि रीजनिंग सबसे आसान है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप सभी का, पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार आ रहा है, बार बार ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। प्रीवियस ईयर एलजेब्रा के क्वेश्चन मैंने करवा दिए, हर एक क्वेश्चन उठाकर दे रहा है वहां से, आप देख सकते चैनल पर मिल जाएगा। दिया गया है a+b+c=7 दिया गया है, फिर बोला गया a+b+c+c=-6 दिया गया है, आपसे पूछा क्या है a³+b³+c³-3abc का मान क्या होगा। बस उठाकर जनरली आपको फॉर्मूला के ऊपर रख दिया है और कुछ दिया ही नहीं है, क्या करेंगे। आपको फॉर्मूला पता है ना, a+b+c a² + b² + c² - कॉमन ले लो, a+b+c+a, ये हमारा फॉर्मूला होता है भैया, ये सभी को पता है। हमारे पास ये दिया गया है, कल भी मैंने करवाया था, हमारे पास ये दिया गया है 7 और ये हमारे पास गिवन है -6। उसके बाद हमारे हमको ये निकाला, ये कैसे मिल सकता है, दिमाग में फटाफट क्लिक करेगा भैया ये फॉर्मूला से ये सब चीज निकल सकता है। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही फॉर्मूला, आप यहां पर जो है वो लगा दीजिए। आप बोलेंगे भैया a² + b² + c² 2 कॉमन लेंगे, ab+bc+ca, ये होगा होगा ना। अब इसका मान भी दिया गया है आपका क्या -6, ये कितना हो जाएगा आपका 12 गुना करेंगे, और इसका 7 का स्क्वायर 49 और ये 6 × 12 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका 37। यानी a² + b² + c² का मान क्या आ गया 37। अब पुट कर दो ना, अब यहां पर पुट करेंगे हम सभी 37 करेंगे, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 37 और 43 43 × 7 करना है, कितना हो जाएगा 280 और 21 301 हमारा आंसर हो गया। ये सवाल था, फॉर्मूला के ऊपर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो नहीं कर पाएंगे आप सभी, और बोलेंगे भैया हमने तो पढ़ा ही नहीं। आप दो अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सीरियस एग्जाम को लेकर, तो लास्ट के 2-3 साल के पेपर तो सॉल्व किए ही होंगे ना, तो वहां से बेसिक तो आइडिया लग गया होगा पेपर में क्वेश्चन कहां से आ रहा है, हमको किस पर काम करना है। अगला सवाल देखिएगा, वो क्वेश्चन करवा रहा जो एग्जाम में बार बार आपके आ रहा है, एक क्वेश्चन ये आया था और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर एक शिफ्ट में आ रहा है, कल भी मैंने करवाया था, 30x² 15x+1 = 0, तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है 25x² + 36x² का मान बताना है। देखो हमको यहां से वहां पूछा है, थोड़ा दिमाग लगाओगे इसको सब सारे को 6x से डिवाइड कर दो तो ये क्या निकल कर आएगा, ऊपर हो जाएगा 5x, उसके बाद इसको करेंगे +1/6x और यहां से x कट जाएगा, क्या बचेगा आपका माइनस, काटो पा 3 से
तो 5/2 और ये 5/2 उधर जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, ये बचे जीरो हो जाएगा, ये बचेगा हमारा 5/2, ये बच गया। अब यहां ये चीज दिया गया है, वो चीज पूछा है, क्लियर नजर आ रहा है, इसका स्क्वायर है कर दीजिए ना, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25/4 माइनस कितना करेंगे 2, ये फॉर्म में लाना पड़ेगा 5 और 6, यानी 5 × 1/6 सॉल्व कर दीजिए कितना हो जाएगा आपका 5 × 2 = 10, 10/6 को कितना लिख सकते हैं 25/4, डायरेक्ट काटो ना यहां से 5/3, ये कितना हो जाएगा 12 LCM लेंगे तो, अगर 12 LCM लिए तो हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा 20 और नीचे हो जाएगा 12, यानी बोल सकते हो 55/12 भैया हमारा आंसर है। ये वाला सवाल आपके एग्जाम में था। ट्रिगो से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं बार बार बोल रहा हूं, ट्रिगो को लेकर बहुत ज्यादा पैनिक मत होइए, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है आपको। नॉर्मल त्रिकोणमिति में क्या करना है, जिसका जो वैल्यू है वो आपको याद कर लेना है, नॉर्मल चीज। 2-3 सवाल आपको अगर देखो आप बिल्कुल मत डरो, त्रिकोणमिति में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे, बस वैल्यू पुटिंग के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, और आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है, अगर वही पता नहीं है साइन बटा क्या होता है, कॉस बटा क्या होता है, और 1-2 ट्रिपलेट कम से कम पता होना चाहिए, बस काम बन गया। ज्यादा पूरा डिटेल में पढ़ने वाला जरूरत नहीं है, कितना हार्ड सवाल भी आपके एग्जाम में आ रहा है। सवाल दिखाते हैं, एक सवाल आपका ये था आज के एग्जाम में आप सभी का, ये वाला आपको पूछा है, नॉर्मल 3 sec² θ + 10 square θ प्लस यहां पर इंटू है सॉरी, फिर दिया गया है आपका प्लस 10 sec θ माइनस sec 6θ का वैल्यू क्या होगा, ये आप सभी से क्वेश्चन एग्जाम में एग्जामिनर पूछा है, बताओ क्वेश्चन हार्ड है। अगर ये चीज दिया गया है और आपको पता है कहीं ना कहीं बीच में tan है, अगर बीच में tan है तो हम 45 का क्यों ना पकड़ ले सबको, 45θ का मान सबको पकड़ लो, तो 45θ का मान क्या होता है tan का 1 होता है, यहां पर क्या होगा 1 होगा, sec 45 का मान क्या होता है √2 होता है, ये 2 ये 3 हो जाएगा हमारा, क्या प्रॉब्लम है, ये 3 √2 और ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 2 बन जाएगा भैया, यानी 3 × 2 = 6, यानी इसका पूरा मान कितना हो गया 6 बन गया। प्रॉब्लम है किसी को, बताओ किसी को प्रॉब्लम है सवाल समझने में, उसके बाद क्या है माइनस है हमारे सामने, सेक्स √2 का अगर हम 6 करें कितना बन जाएगा आपका 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 बन जाएगा ये वाला, उसके बाद क्या है 6 × 6 = 7, 7 - 8 कितना होगा -1 आंसर हमारा होगा, समझ रहे हैं, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा बेसिक अगर ज्ञान है तो आप त्रिकोणमिति में आराम से सॉल्व कर लोगे। अगला सवाल देखना आप सभी, यहां पर आप सभी को कितना कराएं 1, 2, 3, एक सवाल हमारे सामने दिया गया है ये वाला, त्रिकोणमिति का ही सवाल था, ये वाला सवाल दिया गया, देखो एक बार, sec θ - tan θ = xy दिया गया, और आपसे पूछा क्या है साइन थीटा का मान पूछा है, आपसे पूछा है क्या साइन थीटा का मान पूछा है क्या होगा, नॉर्मल अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे इसको रिवर्स करेंगे क्या होगा आपका sec θ + tan θ और ये रिवर्स हो जाएगा y/x, ये प्लस करेंगे क्या होगा तो ये 2 sec θ ये कट जाएगा, बराबर क्या होगा x/y/y/x हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए क्या हो जाएगा, आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो yx को LCM लेंगे क्या हो जाएगा x² + y² और ये 2 जो है वो हमारा यहां चल जाएगा, तो sec θ बराबर क्या आ गया हमारा, अब देख रहे हैं क्लियर सॉल्व हो गया, उसके बाद तो कुछ सवाल में रह ही नहीं जाता है। अब सवाल में क्या है आपको पता होना चाहिए sec थीटा का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे भैया sec थीटा का मतलब होता है आपका भैया h/b होता है ना, देखो h/b होगा sec थीटा, तो sin थीटा क्या होता है, तो आप देखो ये सब चीज कम से कम आप पढ़ लेना तब आपका जो है एग्जाम निकलेगा, वरना इतना बेसिक भी अगर नहीं कर पाएंगे फिर तो प्रॉब्लम है। अब आपको पता है कि यहां पर ये रख दीजिए x² + y² ये निकल गया आपका 2yx, अब आपको बस ये मान पता चल जाएगा तो साइन का मान बैठा देंगे, साइन क्या होता है p/h, यहां पर इसका ट्रिपेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा आंसर हो गया, आंसर हो गया। एक बार आप सभी ना स्क्रीनशॉट कम से कम ले लेना इस क्वेश्चन का, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं एक बार आप सभी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको आगे चलकर बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो, रट लेना सवाल को। अगला सवाल आप सभी देखना, यहां पर एक सवाल आपके एग्जाम में क्या बना है, ये भी त्रिकोणमिति का सवाल है, आपका बना है 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 14 कॉस थीटा। आपने मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन पढ़ा होगा और आपसे पूछा है साइन थीटा का मान क्या होगा, ये सवाल है आप सभी से एग्जाम में, क्या कर सकते हैं थोड़ा बताओ। अगर ये चीज पूछा है तो हम क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं भैया, हमको साइन स्क्वायर थीटा पूछ रहा है और हमको पता है यहां पर कॉस है तो साइन का मतलब क्या होता है, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो पता होगा ना, बिल्कुल पता है भैया, ये 14 कॉस थीटा हो जाएगा बराबर 13। इसको सॉल्व करेंगे 5 कॉस थीटा प्लस 14 कॉस थीटा बराबर 13। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये 5 अगर हम उधर लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा 8। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में तोड़ दो, क्वाड्रेटिक फॉर्म में तोड़ दीजिए, बस काम बन गया। अब पूरे को अगर उधर लेकर जाएंगे पूरे को तो इधर क्या बन जाएगा, 0। यानी ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमारा भैया टूट जाएगा पूरे अच्छे तरह से, तो तोड़ दीजिए ना, अगर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपका टूट जाता है तो आप इसको तोड़ दो, इसके बाद सवाल तो आपका कुछ रह ही नहीं जाएगा। ये आपका आगे माइनस था ना, ये उधर जाएगा, क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा आपका 5 cos स्क्वायर थीटा जब ये उधर जाएगा तो, और ये प्लस हो जाएगा माइनस cos थीटा और उसके बाद प्लस 8। और आपको मैंने समझाया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्लास में, अगर पहला साइन माइनस हो फिर प्लस हो तो जो भी आंसर आने वाला है वो हमेशा प्लस में होगा cos का, बताए है ना। तो आपको क्या है, देखो 8 × 5 = 40 और बीच में 14, यानी गुना कर हमें 40 लाना है और प्लस माइनस कर लाना है 14, कैसे आ सकता है वही नंबर दोनों जगह, यानी 10 × 4 या फिर 10 + 4, यही होगा ना, क्या होगा, यही होगा, यानी कॉस का मान क्या आ जाएगा हमारे सामने 10 और 4, और पहले में 5 है, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया है, तो नीचे डिवाइड होगा, नीचे डिवाइड होगा, ये 2, कभी कॉस का मान 2 नहीं आ सकता, पता है, तो मान क्या हो जाएगा कॉस का, 4/5 हो जाएगा। अगर कॉस भाई 4/5 है तो साइन हमारा 3/5 नहीं हुआ, बताओ बताओ आंसर 3/5 हुआ कि नहीं हुआ, इसमें प्रॉब्लम क्या है भैया, ये कैसे हो गया, अरे भाई फॉर्मूला पता है ना, लगा दीजिए, नहीं है वाला ये निकाल लीजिए, काम खत्म हो गया हमारा, और सवाल में है क्या बताओ भैया, नहीं समझ में, अरे यार 5 × 25 = 16, 25 में से 16 गया, 9 किसका स्क्वायर है, 3 × 3/5। अगला सवाल देखिएगा, थोड़ा सा बेसिक अगर ज्ञान है तो आप एग्जाम पक्का निकाल लोगे, ये नहीं बोलेंगे कि 25 में 25 आप अटेंड कर लो, अटेम्प्ट कर लोगे, लेकिन इतना जरूर कर लेंगे कि आप स्कोर कर पाओगे 17-18 इजीली, हमको 100 नंबर भी स्कोर नहीं करना है। एक सवाल हमारे सामने ये था, 5 चेयर + 8 कुर्सी का दाम दिया गया है 15,800 रुपया, और चेयर कुर्सी पर जो प्रॉफिट होता है वो 10% का प्रॉफिट होता है, टेबल पर प्रॉफिट होता है हमें 20% का, ठीक है, और जो टोटल प्रॉफिट हुआ है, टोटल प्रॉफिट हमें हुआ है 288 का, तो आपको बताना क्या था, 27 3, हाँ तो बताना 3 चेयर का सीपी क्या है, दाम क्या है, ये आपको बताना था। सवाल आसान है, कुछ भी सवाल में है आप बताओ, कुछ भी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना आप, अगर इतना रुपया लगा है 5 कुर्सी और 8 टेबल में और 10% का फायदा अगर हमें चेयर पर हुआ है, चेयर पर कुर्सी पर, तो इसका 10% कितना होगा, आप बोलेंगे 1580। 20% कुर्सी पर, कुर्सी का 20% का मतलब कितना होता है, इसका डबल 15 × 15 = 3160। और टोटल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2800 इतना। अब क्या करना है, अब आप लगा दो यहां पर, क्या आप बोलेंगे भैया यहां पर मिक्सचर एलिगेशन लगा दे, क्या मैं बोलूंगा लगा दे, मतलब आपको लगाना ही पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा आपका,
28 एकरा 15 यहां पर हो जाएगा आपका 1500-1308 हमारा क्लियर नजर आ रहा है यहां पर हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा आपका 28-2900 2720 हमारा 2772 हमारा यहां पर हो जाएगा ठीक है। और क्या है और तो सवाल में कुछ रह ही नहीं गया। अगर ये मिक्सचर एलिगेशन लगाने के बाद अगर ये वैल्यू आ रहा है हमारे पास ये वैल्यू आ रहा है और ये चेयर मानकर चल रहे हैं टेबल मानकर चल रहे हैं भाई तो आप देखो अगर दोनों दो जीरो यहां पर एक जीरो यहां पर एक जीरो लगा दूं और दोनों को प्लस कर दूं तो हमारा ये वैल्यू आ जा रहा है देख लो 2720 और 1380 13080 यानी 15815 नहीं आ रहा है क्या देख लेते हैं 13800 यहां का कैलकुलेशन गलती है क्या एक बार ये 2720 होगा कंफर्म है और यहां पर आपका कितना हो जाएगा अच्छा ये 1308 होगा ना सॉरी ये 1308 होगा आपका बिल्कुल अब आप देख लो अब आपका बिल्कुल जो है वो हमारा आ गया होगा अब आप देख सकते हो 1308 प्लस आपका 2720 बिल्कुल अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा ये मान आ जाएगा देख लीजिए 13080 2720 08210 718 13215 बिल्कुल हमारा वो वैल्यू आ गया। जब आपको पता है पांच कुर्सी का दाम इतना है अगर आपको पता है पांच कुर्सी का दाम इतना है तो तीन कुर्सी का दाम कितना होगा निकाल लो क्या होगा आपका 5 5 25 22 24 और फिर आपका 44 प्रॉब्लम सॉल्व 544 इंटू 3 कर दो आंसर निकल जाएगा कितना हो जाएगा आपका 1500 और 132 यानी 1632 हमारा आंसर हो गया। आप बताओ किनको समझ में नहीं आया किसी को हार्ड लग रहा है सवाल ये सवाल आपके एग्जाम में था एग्जैक्ट ऐसे आपको सॉल्व करना है एग्जाम में ठीक है। अगला सवाल देखना आप सभी एक सवाल हमारे सामने ये था आपका प्रिंसिपल दिया गया है 12000 और टाइम दिया गया है 2 साल 5/8 साल के लिए साल है ये वाला और फिर आपको बोला है दर जो है वो 8% है तो चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा इससे आसान सवाल आपके एग्जाम में नहीं बन सकता। अब आप ट्री वाला बनाओगे या फॉर्मूला पर जाओगे तो बड़ा लगेगा आपको नॉर्मल मैंने समझाया है अगर पहले साल 8 साल है तो 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज का कितना होगा परसेंट तो आप बोलेंगे 16.64% 2 साल के लिए ये तो मैंने आपको समझाया कि नहीं समझाया है भैया ये कैसे होता है अरे पहला साल 8 दूसरे साल 8 प्लस 8 गुना 8/100 कितना होगा 64 16.64 2 साल के लिए हो गया तो 3 साल तीसरे साल क्या होगा तीसरे साल पूरा नहीं लेना है बस 5/8 का मतलब ये 8 कट गया बस 5% लेना है तो ले लो ना 5% प्लस 16.64 × 5 और एक बात इतना कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है आपके दिमाग में होना चाहिए ऑप्शन भी तो है आप यहां से 16 निकालोगे 16 5 कितना हो गया हमारा 21 हो जाएगा और वो हमारा कितना हो जाएगा 22 के लगभग यानी 22.5 मोटा मोटी मान लो और ये आप जो कर रहे हैं ना एग्जाम में ये करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा अगर कंसेप्ट क्लियर है तब। अब देखते बोलोगे 2 साल का 16 हो जाएगा नीचे 8 है तीसरे साल का 16 5 21 8 5 40 22% के लगभग हमारा आंसर होगा तो इसका 22% क्लियर निकाल दो आंसर हो जाएगा 10% कितना होगा 1200 20% 2400 2% 240 यानी आप बोल सकते हो 2640 समथिंग उससे थोड़ा ज्यादा 0.5% हमारा आंसर होगा यही होगा ना इसका 10% 1200 20% 24 और 1% 120 2% 240 यानी बिल्कुल 2640 और इसका आधा पकड़ो कितना वो तो क्लियर आंसर निकल गया 2700 हमारा लगभग आंसर आने वाला है क्लियर है कि नहीं है बताओ ये सवाल था। अब इसमें अगर आप ट्री फॉर्मूला लगाओगे लंबा करोगे तो सवाल लंबा बनेगा। अगला सवाल हमारे पास ये था इसको आप सभी एक बार देखना एक सवाल अर्थमेट्रिक के सवाल मैं बहुत कम करवा रहा हूं क्योंकि सवाल काफी इजी था। एक सवाल था आपका 5000 ए 3 लोग मिलकर बिजनेस स्टार्ट किए कौन कौन ए बी सी
इसका 2000 है, इसका 6000 है, और आपको बोला है कि इनका लाभ प्रतिशत क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट पूछा है। लेकिन सवाल में कंडीशन दे दिया गया है आप सभी को कि जो बी है ना वो 5 महीने के बाद आ रहा है बिजनेस में, यानी 5 महीने के बाद मतलब यानी साल में 5 घटा दो यानी 7 महीने के लिए इसका पैसा निवेश रहा, इसका पूरा 12 महीने के लिए, इसका भी 12 महीने के लिए, 3-0 गया 12×6=72, ये 14 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, इसका अनुपात निकाल दो, वही तो होता लाभ प्रतिशत, तो कितना होगा 30/7×36 आंसर हो गया हमारा। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन था, ठीक है, और आपके एग्जाम में सवाल था 1, 2, 3, 4 ओके। एक सवाल काफी आपके एग्जाम में ये आ रहा है, एक सवाल ये था, आपको बोला है एमआरपी जो मार्केट प्राइस है वो 720 है और डिस्काउंट दिया गया है आपको 2, कितना डिस्काउंट दिया गया है आपका 15% और 1 दिया गया है x परसेंट और सेलिंग प्राइस बता दिया गया है 566 है, तो आपको बताना है यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे भैया, इस x का मान निकालना है। अब बताओ इसमें कुछ अगर अगर आप थोड़ा प्रॉब्लम करोगे तो समझ में नहीं आएगा, आप बोलेंगे एमआरपी 720 है भैया, डिस्काउंट कितना दिए 15%, 100 में से 15 गया कितना 85%, नीचे 100, उसके बाद कितना दिए x परसेंट, यानी 100-x नीचे आपका 100, ये देने के बाद कितना हो गया 566। अब क्या है, अब यहां से सॉल्व कर x निकाल लो, आंसर निकल जाएगा। ये सवाल आपके एग्जाम में था, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, बस आपको थोड़ा अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ना तो आप इजीली सवाल कर लोगे। एक सवाल आपके एग्जाम में था ये वाला, देखो एक टाइम एंड वर्क का सवाल भी बहुत आसान आ रहा है। आपको पूछा गया था कि ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है और ए जो है वो डेली 4 काम कर रहा है, ए डेली 4 काम कर रहा है और ए के मुकाबले बी जो है वो 25% ज्यादा इफिशियंट है काम करने के मामले में, मतलब तंदुरुस्त है, यानी 25% ज्यादा काम कर रहा है, 4×25% 1 यानी 5 काम करेगा एक दिन में, और बोला है बी के मुकाबले सी जो है वो 20% ज्यादा फुर्ती में है, इसका 20% कितना होगा 1 यानी ये 6 होगा। अब सवाल में रह क्या गया है, इफिशियंसी बस आपको और सवाल में कुछ नहीं है। अब आपको सवाल में बोला है कि मान लो ना ये तीनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, एक दिन में लोग कितना काम करेंगे मिलकर 6, 5, 11, 5, 16, 3 दिन में कितना काम करेंगे, तो आप बोलेंगे 48 काम भैया ये लोग करेंगे, 45 काम करेंगे ये लोग, टोटल काम कितना है, तो टोटल काम तो दिया गया है एक किसी काम को 30 दिन में कर रहा है और डेली ए जो है 4 काम कर रहा है, तो टोटल काम कितना है 120 में 45 काम खत्म हो गया, बचा कितना हमारे पास 75, 80, 80 और 4 यानी 75 काम बच गया, और ये 75 काम जो है वो बी अकेला करेगा तो कितने दिन में करेगा, आप बोलेंगे भैया 15 दिन में बी काम पूरा करेगा, सवाल खत्म। ये सवाल आपके एग्जाम में आज के शिफ्ट में था। सीजीएल का प्री का पेपर आप बोल सकते हो इतना एक्सपेक्टेड नहीं किए थे कि इतना क्वेश्चन जो है आसान आएगा। एक सवाल आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में बन रहा है, इसको आप ध्यान से देखना, 432 को अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, मान लो x से डिवाइड किए, तो जो रिमाइंडर बच रहा है ना वो 12 बच रहा है। ये सवाल एग्जाम में आ रहा है कि अगर किसी नंबर को अगर हम 432 को अगर हम भागा दे रहे हैं किसी नंबर से तो शेष फल कितना बच रहा है 12, तो वो कितना पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, यानी एक्स कितना नंबर हो सकता है जिसको हम भागा देंगे तो 12 रिमाइंडर आएगा, एक्स ऐसा कितना पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, ये आपको पूछा है एग्जाम में ये क्वेश्चन। तो कुछ नहीं है ना, आप देखो 432 में से अगर 12 घटा दे 420 आएगा, क्लियर ना। अब 420 का फैक्टर क्या हो सकता है, प्राइम फैक्टर, जो नंबर अपने आप में कटे, क्या क्या हो सकता है, तो आप थोड़ा सा भी दिमाग तो लगाएंगे ना, आप बोलेंगे भैया 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, प्राइम फैक्टर की बात कर रहे हैं जो बस अपने आप में कटता है, उसके बाद 3 2 6 30 30 7
210 यानी 2 का स्क्वायर करो, ये हो सकता है। अब फैक्टर निकाल लो 420 का, फैक्टर निकालना भी आना चाहिए भाई, अब फैक्टर निकालना भी आप सभी को आना चाहिए। फैक्टर कैसे निकालते हैं, पहला संख्या क्या है 2, पावर 1, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारा 3, ये आपको। दूसरा संख्या क्या है हमारे सामने 3, 3 का पावर 1, 1 में पावर 1 जुड़ेगा आपका 1 प्लस 1 2, 5 का पावर 1, 1 के पावर में 1 जुड़ेगा यानी 1 प्लस 1, ये आपको आना चाहिए। 7 का पावर 1, पावर में 1 जुड़ेगा 1 यानी गुना 1 प्लस 1, ऐसे निकलता है फैक्टर। निकाल लो ये कितना बन जाएगा 3, 2, 2, 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी आपका 24, 12 दूनी 24 यानी कितने फैक्टर है, तो 24 फैक्टर है 420 के। अब आपको देखना है कितने पॉसिबल नंबर है जिससे अगर 432 को भागा दे तो रिमाइंडर 12 आएगा। तो अब देखो आप सभी एक चीज देखना है, 12 से ऐसे कितने कम नंबर है, कितने कम नंबर है जिससे 420 जो है वो डिवाइड हो जाए, जो नंबर डिवाइड हो जाएगा वो नहीं पकड़ना है। तो 420 से एक भागा जाएगा, दो भी जाएगा, तीन भी जाएगा, चार भी जाएगा, पांच भी जाएगा, छह, सात, आठ, आठ, आठ जाएगा, आठ नहीं जाएगा आपका, आठ पांच 40, आठ नहीं जाएगा, तो आठ को नहीं लेंगे, जो नहीं लेंगे वो याद रखिएगा, छह, सात, आठ नहीं लेंगे, नौ जाएगा, नौ भी नहीं जाएगा, दस जाएगा, ग्यारह नहीं जाएगा, बारह जाएगा, ठीक है। तो कितने नंबर हुए 12 से कम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 नंबर ऐसे हुए। तो अब क्या है, जो फैक्टर निकाले हैं 24 उसमें से 9 घटा दीजिए, आंसर कितना हो जाएगा आपका 15, ये हमारा आंसर हो गया। ये सवाल इवन हर एक शिफ्ट में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। एक सवाल आपका यही था, कितने सवाल कर रहे हैं, 1, 2 टाइम देख रहे हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 और 8, 9, 10, 11, 12, 13। देखो कुछ क्वेश्चन जो है मैं एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है, त्रिकोणमिति के ही मैंने 3-4 सवाल कराए, कल 2 करवाए थे, बहुत बेसिक क्वेश्चन आ रहा है, अब बस इतनी कर जाओ, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अर्थमैटिक तो बहुत आसान आ रहा है, अब ऐसा नहीं है कि आप आज ही पढ़ना स्टार्ट किए हैं और आज ही बोल रहे हैं बस इतने क्वेश्चन देख लो और आप एग्जाम का निकल जाएगा, बिल्कुल नहीं। अब एग्जाम से पहले मेहनत किए होंगे, मॉक टेस्ट दिए होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए होंगे, अब एग्जाम आपका रुक नहीं सकता है। फिर इंग्लिश भी सेम पैटर्न पर आ रहा है, आप देख लेना, बहुत जन बोल रहे हैं भैया इंग्लिश जो है बहुत स्कोरिंग है, समझ रहे हैं ना, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और क्या बोलूं।